अग्निपथ योजना को लेकर बिहार तीन दिनों से झुलस रहा है। वहीं सारण सिवान में अग्निपथ को लेकर सरकारी से लेकर निजी संस्थानों को क्षति पहुंचाई गई। प्रदर्शनकारियों द्वारा इसको लेकर जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे द्वारा निषेधाज्ञा 24 जून तक लागू कर दी गई। निषेधाज्ञा धारा 144 लागू 17 जून की संध्या 8 बजे लागू की गई। जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे ने बताया कि अग्निपथ योजना के विरुद्ध छात्रों द्वारा आंदोलन के दौरान सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। उसी मद्देनजर असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने की संभावना के कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, इससे शांति भंग होने की संभावना है। इसी को देखते हुए धारा 144 लागू की गई। इसी मद्देनजर महाराजगंज में अग्निपथ योजना के छात्रों द्वारा विरोध व बिहार बंद को देखते हुए एसडीओ संजय कुमार व डीएसपी पोलस कुमार ने नगर पंचायत से लेकर पंचायत तक मजिस्ट्रेट के साथ फोर्स की चाक चौबंद व्यवस्था रखी थी। वहीं किसी असामाजिक तत्वों की अप्रिय घटना को अंजाम न दे सके इसके लिए एसडीओ संजय कुमार व डीएसपी पोलस कुमार स्वयं फोर्स के साथ महाराजगंज के सभी क्षेत्रों में दौरा कर रही हैं। वहीं रेलवे की सुरक्षा में भी फोर्स की तैनाती की गई। एसडीओ व डीएसपी का एक आम जनता व छात्रों से अपील है कि महाराजगंज में निषेधाज्ञा के तहत धारा 144 लागू है, शांति बनाए रखें। अगर कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान व शांति भंग करने की कोशिश करेगा उन लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी प्रकार की सूचना हो आप फोन पर या व्हाट्सएप नंबर पर सूचना दे सकते हैं। जनता का सहयोग सर्वोपरि है, हमारे प्रशासन आपके साथ हमेशा है, कभी भी कहीं भी। सिवान से राजेश कुमार की रिपोर्ट। सर, अग्निपथ के स्कीम को लेकर तीन दिन से सर छात्रों के जो हंगामा चल रही है सर, उसको लेकर सर आज महाराजगंज में भी छात्रों का आंदोलन था सर, उसके लिए प्रशासनिक तैयारी सर किया? देखिए, आंदोलन तो दो तीन दिनों से चल रही है, सरकारी संपत्तियों का भी नुकसान हो रहा है और आज बिहार बंद करने का आह्वान वगैरह था। पूरे जिला में 144 लागू है, निषेधाज्ञा लागू है, किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति कोई भी अवैधानिक कार्य नहीं करना है। आप लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जब तक अनुमति नहीं है, सम्मेलन नहीं कर सकते हैं, एकत्रित नहीं हो सकते हैं। इस बात को ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा कृत्य जो पब्लिक संपत्ति या पब्लिक को दिक्कत पैदा करता है वो विधि सम्मत नहीं है, कार्रवाई की जा सकती है। हम लोग सभी लोग प्रशासनिक तौर पे अलर्ट भी हैं, पूरे क्षेत्र में भ्रमणशील भी हैं, जगह जगह पे पुलिस फोर्सेस मजिस्ट्रेट्स की डेपुटेशन हुई है और हम लोग सतर्क भी हैं, सचेत भी हैं। किसी प्रकार की कोई भी यदि गलत कार्य होता है तो उसका हम लोग पुरजोर उस पर कार्रवाई करेंगे, विधि सम्मत पूर्ण रूप से कार्रवाई करेंगे। सर, आज अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार बंद का आह्वान किया गया है तो सर इसमें पुलिस फोर्स की क्या अहम भूमिका रहेगी बंदी के दौरान? सर, आज अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार बंद का आह्वान किया गया है तो सर इसमें पुलिस फोर्स की क्या अहम भूमिका रहेगी बंदी के दौरान? निश्चित तौर पे जिस प्रकार से इस विरोध के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को जो नुकसान पहुँचाया गया है तो उस सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए जिला स्तर पे भी और खास करके अनुमंडल स्तर पे भी मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही साथ हमारे और एसडीएम साहब के द्वारा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर इस बात का जायजा लिया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का न्यूसेंस होता है तो उस पर हम लोग कड़ाई से कदम उठाएंगे, उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही साथ हमें सिविल सोसाइटी से भी यह मैं अपील करता हूँ कि वैसे जो भी एलिमेंट्स हैं जो इस तरह का गतिविधियों में लिप्त हैं या इस तरह की गतिविधियों में करना चाह रहे हैं उसकी सूचना निश्चित तौर पर प्रशासन को दें और हम लोग समय रहते उस पर निदान प्राप्त करेंगे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।